दोस्तों, जहाँ एक तरफ 17 और 18 मोरों को चैलेंज कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर वहाँ प्लैनेट याट्रा पर वेजिटा बड़ी मुश्किल से इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन जुत्सु परफॉर्म कर पा रहा था। या तो वो कहीं कूड़ेदान में जाकर गिरता या कहीं किसी पहाड़ी के नीचे। और ये तो हम सब जानते हैं कि इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन को मास्टर करना, वो भी इतने कम समय में, आसान तो बिल्कुल भी नहीं होगा। वो फिर भी वेजिटा कोशिश किए जा रहा था, क्योंकि उसे वहाँ धरती की परिस्थितियों के बारे में पता है। वो जानता है कि उसका वहाँ पहुँचना कितना ज़रूरी है। वो बस इतना चाहता है कि सिर्फ एक बार वो धरती पर सही समय पर पहुंच जाए। वहीं वेजिटा के लिए बहुत है। उसके बाद अगर मैं नहीं भी कर पाया तो फिर भी चलेगा। इस पॉइंट पर वेजिटा काफ़ी डेस्परेट हो चुका था। मगर फिर सडनली वेजिटा और एल्डर पाइब्रा को गोकू की एनर्जी महसूस होती है। पाइब्रा और वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान थे, मगर वेजिटा इसका मतलब जानता था। वो जान चुका है कि गोकू मोरू से हार गया है। ये सुनते ही एल्डर पाइब्रा वेजिटा से कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, ये एक इमरजेंसी है। यानी मैं सिर्फ इस बार तुम्हारे लिए मैं अपने प्लेनेट के रूल्स को अनदेखा करता हूँ और तुम्हें अब भी इसी वक्त अर्थ ले चलता हूँ। मगर वेजिटा तो वेजिटा है, वो मना कर देता है। वेजिटा को लगता है कि वो इस बार ज़रूर कामयाब होगा। मगर जाने से पहले वेजिटा एल्डर पाइब्रा को थैंक यू बोलता है उसे ट्रेनिंग देने के लिए, और बदले में पाइब्रा वेजिटा को भी शाबाशी देते हैं उनकी ब्रूटल ट्रेनिंग को झेलने के लिए, जिसके बाद वो उसे शुभकामनाएं देते हैं और वो पलक झपकते ही वहाँ से गायब हो जाता है। और एल्डर पाइब्रा पुष्टि करते हैं कि हाँ, उसकी एनर्जी मैं अब अर्थ से महसूस कर सकता हूँ। इसी के साथ पाइब्रा वेजिटा की जमकर तारीफ करते हैं, जिसका मतलब है कि वेजिटा ने जो कुछ भी हासिल किया है उसकी वजह उसकी अपनी कड़ी मेहनत ही है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूँ कि ये ड्रैगन बॉल सुपर की एक्सप्लेनेशन का 10वां पार्ट है। अगर तुम में से किसी ने इसके पहले वाले पार्ट नहीं देखे तो पहले जाकर वो देख लो, और उन सब की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बिना किसी देरी के चलो आओ यार, शुरू करते हैं। दोस्तों, वहां धरती पर 17 और 18 मोरू से फाइट कर तो रहे थे, मगर उनके हैवी पंचेज या एनर्जी अटैक मोरू को एक खरोच तक नहीं दे पाए। उनके मुताबिक उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे मानो वो पूरा का पूरा स्टील से बना हो। दोस्तों, यही काफी है दर्शाने के लिए कि मोरू और बाकियों की ताकत में कितना बड़ा फर्क है। वह गोहान को भी फिक्र हो रही थी, वो भी फाइट को ज्वाइन करना चाहता था, बट पिकोलो ने उसे मना कर दिया, ये कहकर कि अगर हम वहाँ जाएंगे तो उसे थोड़ा सा भी समय नहीं लगेगा उनकी पावर को उनसे छीनने में। यहाँ पिकोलो ने इसलिए ऐसा कहा क्योंकि वो जानते हैं कि मोरू 17 और 18 की पावर को ऑब्जर्व नहीं कर सकता, क्योंकि ऑब्वियसली वो लोग एंड्रॉइड्स हैं। वहाँ गोकू से भी ये सब देखा नहीं जा रहा था, मगर गोकू कुछ कर पाता उससे पहले ही वहाँ वेजिटा पहुँचता है, जिसे देख गोकू तो शॉक हो जाता है क्योंकि वो यहाँ इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन जुत्सु का यूज़ कर गया था। वेजिटा जवाब में कहता है कि फिक्र मत करो गैक्रॉट, मुझे तुम्हारा सिग्नेचर मूव चुराने में कोई दिलचस्पी नहीं है। क्योंकि यहाँ वेजिटा जानता है कि इंस्टेंट जुत्सु इस बार तो काम आ गया, मगर आगे भविष्य में शायद काम ना आए। आई मीन टू से कि वो शायद दूसरी बार उसे परफॉर्म ना कर पाए, और वो ना ही इस पर कोई एक्स्ट्रा एफर्ट डालना चाहता है इंस्टेंट जुत्सु को मास्टर करने में, क्योंकि वो गोकू से कहता है कि उसके पास इससे भी सुपीरियर टेक्निक है। वो तुरंत ही 17 और 18 को बुलाता है और कहता है कि वापस आ जाओ, अब मेरी बारी है। और आते संगी वेजिटा उसकी शक्ल का बहुत बुरा वाला मजाक उड़ाता है, जिसे देखकर आनंद भी मिला। और फिर तब मोरू वेजिटा से कहता है कि तुम लोग जब छुपने छुपाने में बिजी थे तब मैं अपनी ताकत को बढ़ाने का काम कर रहा था, और अब वो सर्वशक्तिमान बन चुका है जिससे किसी भी फाइटर की ताकत को मैच नहीं करी जा सकती। और फिर तब वेजिटा सुपर सैयन ब्लू वाले फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये वही प्योर ब्लू वाला फॉर्म है जो वेजिटा ने टूर्नामेंट ऑफ पावर में टोपो के अगेंस्ट यूज किया था, जिसे देख गोकू सहित सभी लोग हैरान हो गए, जिसके बाद अब फाइनली दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। फाइटिंग शुरू हो जाने के तुरंत बाद ही वहाँ खड़े होकर देख रहे लोग अचंभित रह गए, क्योंकि वेजिटा ने काफ़ी बड़ी बड़ी बातें की थी फाइटिंग शुरू होने से पहले, मगर अब उसके पंचेज का मोरू के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। मोरू भी वेजिटा को चिढ़ाने लग जाता है और कहता है कि हाँ, तुम पहले से ताकतवर तो हो चुके हो, मगर अब भी मेरे मुकाबले काफ़ी कमज़ोर हो। और यही बात पिकोलो भी जानता है, मगर पिकोलो समझ नहीं पा रहा था कि वेजिटा ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि वेजिटा ऐसा बंदा है जो अपने ओपोनेंट की पावर्स को मेजर करने में कभी गलती नहीं कर सकता। मगर फिर भी वेजिटा सिर्फ थोड़ी ही पावर के साथ मोरू से लड़ने आ गया, और ये बात मोरू भी समझ चुका है। मगर फिर दूसरे ही पल कुछ ऐसा होता है जिसे सिर्फ गोकू ने नोटिस किया, और फिर मार खाने के बाद मोरू ने भी। यहाँ पर अब तक दोनों में से किसी ने भी कोई एनर्जी अटैक का यूज़ नहीं किया था। वेजिटा और मोरू दोनों ही मार्शल आर्ट्स और क्लोज कॉम्बैट का यूज़ कर रहे थे,
मगर फिर भी वेजिटा के पंचेस और किक्स मोरो को चोट पहुंचा रहे थे। मगर फिर गोकू ने वो देखा जो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। जैसे ही मोरो के अटैक को ब्लॉक करके वेजिटा उसे किक मारता है, तब हमें पता चलता है कि उसकी ताकत कमजोर हो रही है। और फिर गोकू वेजिटा से उसकी स्पेशल टेक्निक के बारे में पूछता है, तो वेजिटा गोकू को बताता है कि इस टेक्निक का नाम है फोर्स स्पिरिट विजन। गोहान और पिकोलो भी नहीं समझ पा रहे थे कि यहाँ हो क्या रहा है। और जब वो दोनों ऊपर आसमान में देखते हैं, तब उन्हें रोशनी से भरा हुआ एक गोला दिखता है, और ये वो एनर्जी है जो सीधे मोरो के अंदर से निकलते हुए वहाँ ऊपर आसमान में जमा हो रही है। वेजिटा के हर एक पंच के साथ, हर एक किक के साथ मोरो की एनर्जी थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही है। फिर हमें तब पता चलता है कि मोरो अब फिर अपने पुराने वाले फॉर्म में आ चुका है, जिसे देखकर मोरो तो गुस्सा होता ही है, बट चाकू और पिकोलो भी हैरान होते हैं। तो वेजिटा खुद ही ये रिवील करता है कि जो भी स्पिरिट, जो भी एनर्जी, जो भी ताकत मोरो ने दूसरों से चुराई थी, उन सारी आत्माओं को वेजिटा ने आज़ाद कर दिया है। फिर वेजिटा आसमान में कुछ इशारा करता है, जिससे कि आसमान में बना हुआ वो रोशनी का गोला डिस्पर्स होकर टूट जाता है, जिसके बाद हमें लुकआउट से डेंडे और यार्डनर से पाइब्रा का रिएक्शन भी देखने को मिला। एल्डर पाइब्रा के मुताबिक वो सारी स्पिरिट एनर्जी जो मोरो ने दूसरों से चुराई थी, वो अब अपने अपने प्लैनेट पर वापस जा रही है। वहाँ क्या हुआ वो किसी को भी नहीं समझा, इसलिए पिकोलो और गोहान वापस गोकू के पास आते हैं और पूछते हैं कि एक्सप्लेन करो कि यहाँ अभी अभी हुआ क्या है। गोकू एकदम आसान भाषा में पिकोलो को समझाता है कि इस टेक्निक का नाम है फोर्स्ड स्पिरिट फ्यूजन। ये फ्यूजन या अब्सॉर्प्शन के द्वारा मिलाई गई चीज़ों को अलग करता है। अब क्योंकि गोकू ने भी इस टेक्निक को पहली बार काम करते हुए देखा है, तो ये सब देखकर बहुत खुश होता है। यानी ये वो एनर्जी थी जो मोरो ने लोगों को ऑब्जर्व करके ली थी, जिससे उनकी जान भी चली गई। वेजिटा भी पिकोलो की बात सुन लेता है और कहता है, इस टेक्निक का यूज़ करके मैं उन नमेकियंस को भी आज़ाद कर सकता हूँ जिनसे पिकोलो सालों पहले फ्यूज हुए थे। वेजिटा के मुंह पर गोकू भी उसकी तारीफ करता है और कहता है कि मैं तो इस टेक्निक को कभी सीख ही नहीं पाया। जवाब में वेजिटा भी कहता है कि वो इसलिए क्योंकि मैं तुमसे ज़्यादा टैलेंटेड हूँ, चाहे कुछ हो जाए इस बार तो जीत सिर्फ मेरी होगी। कैकरॉट अपनी ताकत को खोकर मोरो तो पगला गया था, और इस बार इस पूरी फाइट में पहली बार मोरो अपने एनर्जी अटैक का आंख बंद करके यूज़ कर रहा था। और जवाब में वेजिटा भी उसकी धुलाई करना शुरू करता है, और इस बार भी वेजिटा के हर एक अटैक से मोरो की ताकत थोड़ी थोड़ी कम हो रही थी। मौके को देखकर वेजिटा उसे एक सच्चा फाइटर किसे कहते हैं वो मोरो को सिखाने की कोशिश करता है। फिर वेजिटा एक बार और उसे चिढ़ाता है, ये कहकर कि वो हमेशा दूसरों की ताकत पर निर्भर होता है, क्योंकि उसके पास खुद की इतनी पावर भी नहीं है कि वो एक सच्चे सियन के सामने ठीक से खड़ा रह सके। और ये सारी बातें सुनकर आई बेट के उस बुढ़े मोरो की तो जान जल रही होगी। फिर चैप्टर के अगले पैनल में हम फिर से प्लैनेट यार्डनॉट को देखते हैं, जहाँ एक बंदा एल्डर से पूछता है कि क्या उस प्लैनेट के लोग वापस जिंदा हो पाएंगे जिनसे उनकी लाइफ एनर्जी मोरो द्वारा छीन ली गई थी। तब एल्डर मना कर देते हैं और कहते हैं कि उस बात को लंबा वक्त निकल चुका है, इतने वक्त के बाद वो एलियन रेसेस जो मिट गए थे वो अब जिंदा नहीं हो सकते। हालांकि इसमें कुछ एक्सेप्शन ज़रूर है। एल्डर पाइबरा कहते हैं कि कुछ रेसेस जिनकी लाइफ फोर्स नॉर्मल से ज़्यादा पावरफुल होती है, उन ट्राइब्स का वापस से जिंदा होना मेरे ख्याल से मुमकिन है, जैसे कि नया प्लैनेट नैमिक। फिर अगले ही पैनल में हमें नया प्लैनेट नैमिक दिखता है, जहाँ बहुत सारे लोग वापस जिंदा हो रहे थे, और यह सब डेंडे को भी धरती पर बैठे बैठे महसूस हो रहा था। ध्यान रहे, सिर्फ वही लोग फिर से जिंदा हो सकते हैं जिनकी मौत लाइफ एनर्जी के ख़त्म हो जाने की वजह से हुई थी। जिन्हें मोरो और बाकियों ने डायरेक्टली मार दिया होगा, वो लोग वापस जिंदा नहीं हो सकते। अब डेंडे के मुताबिक वहाँ जो ड्रैगन बॉल्स रह गए थे उस वक्त, उनकी वजह से वहाँ प्लैनेट की लाइफ फॉर्म और प्लैनेट पर जो लोग रह रहे थे और बाद में जो मोरो द्वारा मारे गए, उन सब की लाइफ फॉर्म को उन ड्रैगन बॉल्स ने प्रोटेक्शन दे रखी थी, जिसकी वजह से उन मारे गए लोगों की बॉडी डिसकम्पोज नहीं हुई, बल्कि उल्टा प्रिजर्व रही, जिसकी वजह से आज ये लोग जिंदा हो पाए। वहीं दूसरी ओर बैटलफील्ड पर पिकोलो वेजिटा से कुछ ज़्यादा ही प्रभावित हो गए थे। पिकोलो के मुताबिक वेजिटा अपने पहले के किए गए कर्मों के लिए शर्मिंदा है, और अब उसे फाइनली मौका मिला है अपने कर्मों का प्रायश्चित करने का। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब वेजिटा का कैरेक्टर हमें पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था, तब वो कैसा कैरेक्टर था। उसने अर्थ पर तबाही मचाई, प्लैनेट नैमिक के लोगों को मार डाला, और फ्रीजा फोर्स में रहते हुए न जाने उसने कितनों को मारा होगा। तो सिंपली यहाँ पिकोलो को लगता है कि वो किसी वक्त अपने किए गलत कर्मों की जिम्मेदारी ले रहा है, और अब वो उसका प्रायश्चित करना चाहता है इस यूनिवर्स को मोरो से बचा के। और ये सब इसलिए हो पाया क्योंकि पिकोलो के मुताबिक वेजिटा के कैरेक्टर डेवलपमेंट का जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि खुद गोकू है। जाने अनजाने ही सही उसने वेजिटा को बदलने में अपना योगदान दिया,
और ये पिकलो इसलिए कह सकता है क्योंकि किसी वक्त वो भी वेजिटा की तरह गोकू को मारने आया था। तो जैसा परिवर्तन गोकू की वजह से पिकलो में आया, ठीक वैसा ही परिवर्तन वेजिटा में भी आया। मगर ये सारी बातें गोकू को समझाना मुश्किल है। फिर वहाँ वेजिटा चाकू को बुलाता है और कहता है कि क्या गैलेक्टिक पेट्रोल को मोरू जिंदा चाहिए, और अगर नहीं तो मैं मोरू को यहीं इसी वक्त हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर रहा हूँ। फिर चाकू चिल्ला कर कहता है कि भाई मार डाल उसे, गैलेक्टिक पेट्रोल ने उसे इसलिए ज़िंदा रखा हुआ था क्योंकि उसे कोई मार नहीं पाया, और अगर तुम उसे यहीं मार सकते हो तो बी माई गेस्ट। और जैसे ही चाकू ने ये कहा, वैसे ही वेजिटा अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर कहता है कि मैं कैकरोड की तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ जो तुझ जैसे बड़े खतरे को मैं जाने दूँ। वो मोरू से कहता है कि तुम नर्क में जाकर पछताओगे क्यों तुमने जेल से भागने की गुस्ताखी की। मगर वही मोरू उसे कहता है, मेरा नर्क में जाने का कोई प्लान नहीं है, नर्क में तो तुम जाओगे और मैं यहाँ सारी गैलेक्सीज पर अनंत समय के लिए राज करूँगा। यहाँ वेजिटा थोड़ा कन्फ्यूज था क्योंकि अब मोरू के पास झाड़ जितनी ताकत भी नहीं बची थी और वो ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। मगर यहाँ वेजिटा भूल गया था कि मोरू के पास अब भी उसकी मैजिकल पावर्स हैं जिसे वेजिटा के साथ साथ हम सब ने अनदेखा कर दिया। बस इतना बोलते ही मोरू जहाँ खड़ा था वहाँ नीचे से आग उठी और वो पलक झपकते ही गायब हो गया। कोई नहीं देख पाया कि यहाँ हुआ क्या है, सब लोग हैरान थे। मगर फिर चाकू आवाज़ देकर कहता है कि मोरू वहाँ आसमान की ओर उड़ गया है। वहाँ ऊपर मोरू को उड़ता देख वेजिटा भी अपने प्योर ब्लू वाले फॉर्म में उसके पीछे पीछे जूम करते हुए उड़ जाता है। फिर नेक्स्ट पैनल में हमें पता चलता है कि मोरू अपने बाकी के साथियों के पास गया है जो वहाँ अपनी शिप पर स्टैंड बाय पर खड़े हुए थे। पहले तो मोरू बिना वक्त गवाए उस छुटकू की लाइफ एनर्जी को सोख लेता है और फिर वहीं पास में खड़े हुए 7-3 को भी। तब हमें पता चलता है कि उसने अपनी मोस्ट ऑफ पावर्स मेकअप के रूप में 7-3 को दे रखी थी जिसे मोरू ने अब वापस लिया। इतना काफ़ी नहीं था मोरू के लिए तो उसने 7-3 को पूरा का पूरा निगल लिया बिल्कुल एक राक्षस की तरह, और वेजिटा वहाँ खड़े खड़े दिखता ही रह गया। मगर जब तक वेजिटा ने हमला किया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वहाँ शिप पर वेजिटा के अटैक से एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसे देख वहाँ नीचे खड़े गोकू पिकलो चाकू 17 और 18 दंग रह जाते हैं। जब धूल हटी तब गोकू को महसूस होता है कि अब मोरू की ताकत पहले जितनी थी अब उससे कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी है। और हम आगे देखते हैं कि वहाँ आसमान से वेजिटा नीचे गिर रहा है और नीचे गिरने की वजह से उसका प्योर ब्लू वाला फॉर्म भी अब जा चुका है। और फिर नेक्स्ट पैनल पूरा का पूरा डेडिकेट किया गया है मोरू के नए फॉर्म को दिखाने के लिए जो एनजीएल बहुत ही डोप लग रहा है। तो दोस्तों आज के लिए ड्रैगन बॉल एक्सप्लेनेशन में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कर देना यार चलेगा। और रही बात वीडियोस की तो भाई पूरा कमेंट सेक्शन खाली पड़ा है, जितनी गालियाँ देनी हो तुम लोगों को सब मिलकर दे देना, मैं सुन लूँगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलूँगा अब आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायनारा।